हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। रक्षाबंधन आ गया है और इसमें कुछ ना कुछ बनाना ही है हमें, तो हम बना रहे हैं क्रिस्पी चाकोली, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली। इसके लिए हमने ये भुने हुए चने ले लिए हैं और इनको मिक्सर में डाल के अच्छा फाइन पाउडर बना लिया है और अभी हमने इसको छान लिया है। और 2 कप हमने ले लिया है चावल का आटा और दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, छान करके, छानना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल, नमक और थोड़ी मिर्ची, जितनी भी आपको डालना है टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए। हल्दी, धनिया, अजवाइन, हींग, ये सारी चीज़ें डाल दी और पानी को अच्छा बॉईल कर लिया और 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और गर्म पानी से हम आटा गूंथेंगे, तो इसके लिए हम चम्मच से ही गूंथेंगे, हाथ जलने का डर है। और इसको मसल मसल के अच्छा चिकना कर लेंगे तेल लगा करके। और ये हमने ले ली है चाकोली की मशीन जो सभी के घरों में होती है, और उससे हम चाकोली बना लेंगे इस तरह से और झारे के ऊपर रख रख करके हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक तलेंगे। आँच को हम मध्यम ही रखेंगे और इस तरह से हमारी क्रिस्पी चाकोली बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और संध्या एंड रसोई को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।